नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवरतन जोशी। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास खास खबरों पर। प्रभारी मंत्री ने योजनाओं की समीक्षा बैठक, कलेक्ट्रेट में ली और अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आमजन की सुनी समस्याएं। शिक्षा मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने आए लोगों की अधूरी रही ख्वाहिश, डोटासरा हुए नाराज। प्रभारी मंत्री के रूखे व्यवहार से उत्प्रेरित हुआ वयोवृद्ध, नाराज वयोवृद्ध ने कहा, ऐसा कैसा है मंत्री। डोटासरा से मिलने पहुंचे कांग्रेसी पार्षदों को खाने पड़े धक्के, ऊपरी पार्षद अंजना खत्री ने सुनाई आप बीती। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिकित्सा विभाग हुआ सख्त, 10 संदिग्ध लोगों के लिए सैंपल। केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सिंचाई पानी को लेकर खाटूवाला में धरना व प्रदर्शन, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के नेतृत्व में किया जा रहा है प्रदर्शन। प्रभारी मंत्री गोविंद डोटासरा ने छात्रावास का किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे को लेकर बीकानेर पहुंचे प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री डोटासरा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक लोगों को लाभ मिले तथा उनको किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही व लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान डोटासरा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित बीकानेर में कोरोना तथा डेल्टा प्लस की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित जिला स्तरीय आला अधिकारी मौजूद रहे। इस तरीके से अपन एक एक बिंदु वाइज बीकानेर के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को लोगों की जन समस्याओं सुनी और उनके निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर्किट हाउस में जन समस्याओं को सुनते हुए सवेरे से ही लोगों का तांता लगा रहा। लोगों, संगठनों व सरकारी मुलाजिमों ने उनसे मिलकर अपनी परिवेदनाओं, समस्याओं से अवगत कराते हुए उनको ज्ञापन सौंपे, जिसका डोटासरा ने त्वरित गति से समाधान करने का आश्वासन दिया। गोविंद सिंह डोटासरा अपने काम को लेकर कितने महफूज नजर आते हैं और कितने गंभीर है, इसका अंदाजा बीकानेर में जब आम कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने पहुंचे वह सामना नजारा देखने को मिला। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने तल्ख अंदाज में कार्यकर्ताओं को कहा कि या तो वो फोटो खींच ले या अपने काम करवा ले। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी नाराज भी नजर आए। फोटो खींचा रहे हैं, आप
फोटो खिंचाने हैं आप मैं तक फोटो खिंचाने हैं आप मैं तक काम आया तो काम करने ऐसे मतलब की बात तो होगी नहीं आप बताओ मतलब फोटो खिंचाना है तो मैं सबके साथ बाहर में खिंचा लूँगा पहले अपनी बात मतलब एक आदमी करना है एक आदमी फोटो अपने बयानबाजी से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले एपीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आज वयोवृद्ध के निशाने पर आ गए। जब वयोवृद्ध इंसान ने अपने ज्ञापन गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपा तो समय गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें हाथ जोड़ दिए और वयोवृद्ध इंसान ने उन्हें कहा कि मैं अपनी समस्याओं को लेकर आया हूँ उसके समाधान की कार्रवाई की जाए। उनके हाथ जोड़ते हुए इशारा करते हुए इस बात की ओर इंगित करता है कि गोविंद सिंह डोटासरा का काम करने का मिजाज क्या है और क्या दिखता है। काम की नहीं है, प्रेस नोट प्रेस नोट नहीं सुनो मेरी बात साहब, प्रेस नोट नहीं देंगे आपको, ये देखोगे जब कोई चीज़ करोगे ना वरना तो वरना ये कि ये सब फोटोकॉपी है। मैं इसके लिए ये दे रहा हूँ जो मैं बात सुन ले निवेदन आपसे इतना भाषण नहीं आपने दे दिया मैं सुनूंगा लेकिन ये नहीं है कि ऐसे आप कह रहे हैं तो साहब हमसे बात तो करेंगे ना हम ऑर्डिनेट कर रहे हैं ना कर रहे हैं ना 20 साल हो गए साहब श्रीमान तो कर रहे हैं ना बात है चलो क्या करोगे आप क्या कह रहे हैं बताइए सारी फोटोकॉपी दे ये नहीं पलक साहब क्या कह रहे हैं पता है साहब आपको ठीक आराम मामले 25 साल हो गए पुलिस में मुकदमे किए इन्होंने हमारे पे साहब मैंने ले लिया ना तो ले इसको बात नहीं कर सुनोगे आप हमारी पुलिस में मुकदमे किए हमारे ऊपर हमने घर की लगाई है क्या मैं आप नहीं सुनोगे हम मन से बात कर लेंगे कहा कि आप लिख के रख लिया क्या जवाब दिया आप क्या कर भी करोगे साहब ये बताओ ठीक नमस्ते आओ भाई बीकानेर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष देहात कांग्रेस अध्यक्ष यूआईटी चेयरमैन नगर निगम प्रतिपक्ष नेता की दावेदारी में राजनीतिक टोहर टटोलने पहुंचे प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सामने आज अजीबोगरीब वाक्या सामने आया। जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर आपसी गुटबाजी के चलते एक खासा दबाव भी देखने को मिला। आलम यह है कि शनिवार को उनसे सर्किट हाउस में मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की के साथ देखा गया। ऐसे में पार्षदों को इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद कतई नहीं थी। ऐसे कई पार्षदों ने अपमान का घूंट पी लिया किंतु कांग्रेस पार्षद अंजना खत्री पूरी तरह से आपा को बैठी। सर्किट हाउस परिसर में शेरनी की तरह कांग्रेस पार्षद अंजना खत्री दहाड़ती नजर आई। उसने कहा कि हम यहाँ धक्के खाने के लिए नहीं आए, जब उनको यानी डोडासरा को हमें मिलना ही नहीं था तो यहाँ ठहरने से क्या फायदा। बताया जाता है कि सर्किट हाउस में मिलने के लिए कांग्रेसी पार्षदों को नहीं मिलने का कहते हुए बाहर निकाल दिया गया। हालांकि कई कांग्रेस पार्षद अंजना खत्री को शांत कराने का प्रयास भी कर रहे थे। इसके बावजूद अंजना खत्री में अपनी पार्टी व पार्टी के पदाधिकारी को लेकर खासा आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला। इसे पूरे घटनाक्रम के बाद पार्षद अंजना खत्री को डोटासरा ने हालांकि बुलाया तथा नेता प्रतिपक्ष सहित राजनीतिक नियुक्तों को लेकर उनका पक्ष भी जाना। वर्कर है जमीन से जुड़े 50 साल से जुड़े हुए हैं, बदतमीजी से नहीं होगी और अपनी बदतमीजी से है क्या 50 साल का हम 70 साल के लोग हमारे से अपनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। सीनियर हम मुझे किसी का डर नहीं है, सारे पार्टी से पार्षद से तो हटा नहीं सकते, पार्टी से निकाल नहीं सकते, निकालो तो निकाल दो। नहीं नहीं बदतमीजी की है भाई साहब, यार मैं आपके पास आऊँ आपको हटो 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 तरीका मैं नहीं बात करूंगा तो फिर क्या वास्ता है भैया चंदू मैं बच्चे माने कर अरे कोई हमारे पास सिद्धगिरी खड़े लेनी तो ले ले गाँव और ढाणियों में विद्युतीकरण की मांग को लेकर नोखा विधायक बिहारी लाल विष्णु एवं देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उक्त योजना के तहत होने वाले कार्यों का हवाला देते हुए ठेकेदारों पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में हजारों उपभोक्ता विद्युतीकरण योजना से वंचित रह गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे 30,000 से अधिक उपभोक्ताओं की सूची बनाकर दी जा चुकी है, इसके बावजूद अभी तक विद्युतीकरण से जुड़ने की कार्रवाई नहीं हुई।
वंचित उपभोक्ताओं को विद्युतीकरण का लाभ दिलाने के लिए नई योजना शुरू करने के साथ ही भाजपा ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सख्ती बरत रहा है। आपको बता दें कि उक्त महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद उस परिवार के 10 लोगों को संदिग्ध मानकर उनका सैंपल लिए गए हैं। ये सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे जाएंगे। इसके साथ ही बंगला नगर के लगभग हर निवासी का सैंपल लेने के लिए हेल्थ वर्कर घर घर दस्तक दे रहे हैं। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर बी एल मीणा ने बताया कि जिस महिला के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रिपोर्ट मिली है उसके परिवार में 10 अन्य सदस्य भी हैं। इन्हें सभी के सैंपल लिए गए हैं। हालांकि सबका स्वास्थ्य ठीक है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के साथ ही चिकित्सा विभाग की टीमों ने बंगला नगर में ही अपना डेरा डाल दिया है। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही से की बातचीत। उसमें से जो दिल्ली गए थे, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक कोई जयपुर से आई नहीं है। तो पुख्ता जानकारी आने के बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाऊंगा कि कौन सा पेशेंट था, कब आया, कौन सा कब का था, उसका क्या हुआ। थोड़ी बहुत ये जानकारी, क्या रिपीटेशन है या पोस्ट कोविड की कोई बात थी, कौन से सैंपल मंगाए गए थे, ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो डबल डोज वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव आ गए थे, तो उनके कुछ सैंपल्स रैंडम सैंपलिंग करी गई थी कि इनमें कौन सा वेरियंट है, कौन सा वैक्सीन वायरस का कौन सा टाइप है। तो कई सैंपल्स जो हैं दिल्ली के जो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ भेजे गए थे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान माल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchanmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुकम। अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा, क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगे प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं हुकम, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचाने। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। चलते चलते डालते हैं नजर दिन भर की खास खास खबरों पर। तो शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को लोगों के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान भाटी ने उच्च अधिकारियों के साथ समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। सर कांग्रेस सहित कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण अंचल से पहुंचे काफी संख्या में लोगों ने भाटी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर भाटी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानून बिलों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का लगातार आंदोलन जिला कलेक्टर के सामने अनवरत जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम गोपाल बिश्नोई ने बताया कि शनिवार को धरनाती किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तीन कृषि बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम गोपाल बिश्नोई से इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। सुना जाए, पूरा किया जाए, वरना आने वाले दिनों के अंदर किसान और जो है बड़े रूप में इस आंदोलन को और तेज करेगा,
और इस लड़ाई को जो किसानी व खेती बचाने की है और आम आदमी को जो इस तरीके से भंडारण की जो सुविधा सरकार ने कालाबाजारी का कानून ख़त्म किया है, आम आदमी पर जो मार पड़ने वाली है उसके खिलाफ़ जो है किसान आज आंदोलन कर रहा है। इसके खिलाफ़ आज हम यहाँ बीकानेर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति को सभी इकट्ठे होकर अभी प्रदर्शन के माध्यम से राजस्थान प्रबोधक संघ ने प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक पर पदोन्नति के 5000 पद स्वीकृत करने पर गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत व अभिनंदन किया। वरिष्ठ प्रबोधक को उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान बनाने तथा प्रबोधक को मानदेय बढ़ाने के लिए शनिवार को राजस्थान प्रबोधक संघ के बैनर तले प्रबोधकों ने प्रभारी मंत्री व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुष्पमाला के साथ स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर उनको स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कला व शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। लोगों की समस्याएं जिनकी आशा और विश्वास के कारण से इनकी मेहनत के कारण से हम लोग जीत करके सरकार में आए तो इनकी समस्याएं सुन रहे हैं और यथासंभव अधिकारियों के साथ बैठ करके इनकी समस्याओं की चर्चा करके समाधान करेंगे। सर कोरोना का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तीसरी लहर को लेकर के बिल्कुल देखिए वो चिंता का विषय है, हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। हमको दोनों काम साथ करने पड़ेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा। राजस्थान प्रबोधक संघ द्वारा प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कला का भी स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान वहां आमजन ने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर कला व भंवर सिंह भाटी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर भाटी व कला ने त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। लॉकडाउन वगैरह लागू हुआ उसके कारण लोग अंदर घरों में थे, थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है तो एक साथ लोग, मैं तो कहता हूँ कोविड के नियमों का पालन करते हुए सब काम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कई टाइम से लंबे समय से लोगों की पर्सनल समस्याएं जो है बहन के कारण नहीं हल हो रही थी, उसके कारण लोग बातें कहने चलो सब। आने वाले समय में सरकार पूरी सतर्क है और हर तरीके से उपाय करके और ये चेष्टा करेगी कि कोरोना को रोक। चलो सब ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी ज्यादा है, हमारा तो इंटरनल मामला है जो पार्टी में हमारे नेता बैठे। खाजूवाला मुख्यालय में पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने पानी बिजली व स्थानीय समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी डिमांड है आपको ज्ञापन देने के लिए आएंगे, तो इससे आप जाहिर होता है कि सरकार पूरी सोई हुई और हमारी जो मांग है किसानों की जो मांग है ये मांग ये रही है कि पिछले बार भी पोंग डैम का सर ये ऐसा ही था, 2009 में पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी की थी, 10 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में पोंग डैम का लेवल 1272, 1284, 1282 के आसपास रहा था, फिर भी सरकार ने उस समय पानी दिया था, चाहे तीन में से एक ग्रुप देना पड़े, चाहे 3.5 रोजा देना पड़े, लेकिन इस बार सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार पूर्णतः विफल है, निष्क्रिय है, अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है। किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है, किसान आज छोटी सी निवेदन पे इतने किसान इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसान ने किसानों के हित में सरकार ने फैसला नहीं लिया। आपकी मांग क्या है, किस प्रकार से पानी देना? हम मांग कर रहे हैं कि चार में से दो ग्रुप दिए जाए, चाहे वाखड़ा डैम से लेना पड़े, चाहे रणजीत सागर डैम से लेना पड़े, चाहे पोंग डैम नहीं है, तो इससे क्या हुआ? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इसको व्यवस्थित करे। जिला प्रभारी मंत्री व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बीकानेर में राजकीय नेत्रहीन आवासीय छात्रावास का उद्घाटन किया। दौरान के साथ ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, डॉक्टर गोविंद राम मेघवाल सहित अनेक आला अधिकारी मौजूद रहे। डोटासरा द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड की बरसिंहसर परियोजना द्वारा सीएसआर योजना के तहत बनाए गए छात्रावास का उद्घाटन किया गया। इस दौरान शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी, स्कूल प्राचार्य अल्ताफ अहमद, शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक दिलीप परिया, पार्षद अंजना खत्री सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाने लगे और थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुलने लगा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग आए, प्रशासन के साथ बैठे, जनता की समस्याओं को सुने और जनता की समस्याओं को सुनने के साथ में उसका समाधान करें। ये हमारी ड्यूटी में आता है, जनता ने सरांगों में बैठा करके हमको सरकार में बैठाया तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जनता की समस्याओं का समाधान। बिल्कुल एक आया है, ये बड़ी परेशानी करने वाली बात है, चिंता की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता का विषय है कि दूसरे देशों से भी हमें इस तरह की जानकारियाँ मिल रही हैं, लेकिन उसके भी जो
लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान दोबारा क्यों आई ये प्रॉब्लम भी माता जी जब बैंक खुले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर के स्थानांतरित करेंगे, लेकिन जिसकी समस्या का समाधान हो सकता है मेरे विभाग से संबंधित हो उसको तो मुझे तुरंत करना ही चाहिए, नहीं तो मेरा बैंक का ही काम हम समझेंगे क्योंकि बच्चे हमारी स्वास्थ्य उनका हमारी प्रायोरिटी है। तो जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी ऑनलाइन एग्जाम और वर्कबुक से आओ बैक टू होम और ई कक्षा और हवा महल और हमारा स्माइल प्रोजेक्ट आकाशवाणी दूरदर्शन इससे हम लोग आपातकाल को भाजपा ने काला दिवस के रूप में बनाया। इस मौके पर कांग्रेस भाजपा के निशाने पर रही, दूसरी ओर भाजपा ने उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया जिनका देश की आजादी में अहम रोल रहा। इन दौरान भाजपा ने बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उनका सम्मान भी किया। चलते चलते डालते ही नजर दिन भर की खास खास खबरों पर। प्रभारी मंत्री ने योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में ली और अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आमजन की सुनी समस्याएं। शिक्षा मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने आए लोगों की अधूरी रही ख्वाहिश, डोटासरा हुए नाराज। प्रभारी मंत्री के रूखे व्यवहार से उत्प्रेरित हुआ वह नाराज वयोवृद्ध ने कहा, ऐसा कैसा है मंत्री। डोटासरा से मिलने पहुंचे कांग्रेसी पार्षदों को खाने पड़े धक्के, ऊपरी पार्षद अंजना खत्री ने सुनाई आपकी। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिकित्सा विभाग हुआ सख्त, 10 संदिग्ध लोगों के लिए सैंपल। केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सिंचाई पानी को लेकर खाटूवाला में धरना व प्रदर्शन, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के नेतृत्व में किया जा रहा है प्रदर्शन। प्रभारी मंत्री गोविंद डोटासरा ने छात्रावास का किया उद्घाटन। आज फिलहाल इतना ही, नई गतिविधियों के साथ फिर से ऊपर होंगे। न्यूज रूम से नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज अब तक। नमस्कार। भीखाराम चांदमल की मनपसंद स्वादिष्ट मिठाइयाँ भुजिया पापड़ नमकीन अब आपके घर पर ही होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9119119135। खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ।